हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हमारा जीएस का पोर्शन चल रहा था, आप सभी को पता है, और लगातार हम आपसे जुड़ने की कोशिश कर पा रहे हैं ताकि आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। आज इसी के साथ हमने एक और नई पहल की है और इसके साथ हमने आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करवा दी हैं। हमारे साथ एक सर हैं और सर का नाम है विकास सर, और सर जो है आपको आज से मैथ्स पढ़ाएंगे और साथ ही साथ रीजनिंग पढ़ाएंगे। आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आपको कहीं पर भी डाउट हो, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे द्वारा एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिससे आप सर से अपने डाउट पूछ सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। अगर मैं सर के बारे में कहूँ तो सर ने कई सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी किया है। अब सर ने सर का बैकग्राउंड क्या रहा, उन्होंने कौन कौन सी डिग्रियाँ ली हैं, ये सारी चीज़ें आपको सर ही बताएंगे। तो सर, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास यादव है और मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल से किया है और मैं 2 सालों से एसएससी सीजीएल का मेंस भी दे रहा हूं। तो आज से मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा और मैथ्स का जो अर्थमेटिक पोर्शन रहेगा वो हर एग्ज़ाम के लिए कॉमन होता है, जिसके टॉपिक ये आपके सामने हैं। तो अर्थमेटिक में ये टॉपिक रहेंगे और इसके बाद जो सीजीएल की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए एक एडवांस पोर्शन और भी जो बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, और कम से कम उसका 60% वेटेज एडवांस का रहता है। आजकल सीजीएल में ज़्यादातर एडवांस ही पूछ रहे हैं। तो जो बेसिकली और जो एग्ज़ाम है रेलवे के हैं, रेलवे का जो आपका जेई का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी स्टार्ट होने वाला होगा, तो उसमें जो अर्थमेटिक रहेगा उसमें ज़्यादातर टॉपिक यही रहेंगे। तो हम सबसे पहले जो है अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे और हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। और मेरे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा कि हम लोग ना जो लोग ट्रिक बेस पढ़ाते हैं, हम ट्रिक बेस नहीं पढ़ाएंगे। ट्रिक हम आप लोगों को वही बताएंगे जो इम्पोर्टेंट, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं तो उनकी तो हम ट्रिक बता देंगे, लेकिन आजकल सीजीएल में क्या है, नए नए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जो नए नए क्वेश्चन पूछता है तो उसमें ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाती है। तो आपका जब बेसिक स्ट्रांग होगा, कॉन्सेप्ट बढ़िया से स्ट्रांग रहेगा, तो आप वो क्वेश्चन कर लेंगे। अब ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट तो होते नहीं हैं, लेकिन छोटे मोटे जो एग्ज़ाम है जैसे रेलवे हुआ, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड ही रहेंगे, तो उनकी हम लोग अब अलग से ट्रिक भी बता देंगे जो जिससे क्वेश्चन आसानी से जल्दी से हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले टाइम एंड डिस्टेंस से हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम कैसे इसमें कॉन्सेप्ट लगते हैं, कॉन्सेप्ट से कैसे ट्रिक निकल के आती है, हम वो सीखेंगे। तो हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आके स्टार्ट करेंगे हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, थैंक यू।